नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर नाइन। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर बांदा जनपद से, जहां बबेरू कोतवाली अंतर्गत एक गांव में सुबह मंदिर पर एक युवक पूजा करने के लिए गया। वहीं पूजा करते समय अपनी जीप काट कर मंदिर में चढ़ा दी। जैसे ही वहां पर ग्रामीणों को जानकारी हुई तो लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गई। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भाटी गांव का, जहां के रहने वाले आत्माराम पुत्र राम सिंह उम्र 32 वर्ष यहां अपने गांव के खीरापति मंदिर पर पूजा करने के लिए लगभग सुबह 11 बजे गया था। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद अपनी जीप काट कर मंदिर पर चढ़ा दिया। वैसे जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो मंदिर परिसर पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर बबेरू कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई और पूरी जानकारी ली। जीप काटने वाले युवक का आत्माराम मंदिर स्थान पर बैठा रहा। पुलिस ने अस्पताल के लिए भी कहा, लेकिन युवक मंदिर स्थान से नहीं उठा और कहा कि खीरापति माता जी हमको सब ठीक कर देंगे। वही इतना सुनते ही वहां पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के लोग भी जीप काटने वाले आत्माराम को देखने के लिए उमड़ पड़े। बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। चंद्रभान सिंह यादव। आपके गांव में ये मामला आया है कि एक भक्त जो है मंदिर में भीड़ काट लिया है। जी हाँ, ये मेरा भतीजा है आत्माराम यादव। ये सुबह 10-11 बजे की बात है। ये जब वहाँ से चला तब मैं मौके में था। इसको माता ने बुलाया अपने असर पे, ये यहाँ आया स्थान पे और उंगली से अपनी जीभ निकाल के रख दिया, काट लिया। जी हाँ। कैसी जानकारी आपको हुई? जानकारी हमारी भाभी यहीं थी मौके में, तो उन्होंने चरौरी बिनती करके, नहीं पहले तो ये गर्दन निकालने जा रहा था, तो जब उन्होंने चरौरी बिनती किया तो उस पे उंगली से अपनी जीभ को निकाल के माता के स्थान पे रख दिया। इसके बाद कहाँ जाएंगे? अब इसके बाद ये गंगा स्नान करने जाएंगे पूर्णिमा को, वहीं पे जीभ का जो भी होगा माता जी करेंगे। प्रशासन भी आया था तो सब देख सुन के चला गया, उनको सारी बातें बता दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रभान सिंह यादव नाम। कौन सा गांव है? ग्राम सभा भाटी। श्याम सुंदर यादव। ये कौन सा गांव है? ये भाटी गांव है। अच्छा। अब मैं भाटी प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। ये यहाँ मंदिर है ये जी, ये जीव काट लिया, क्या है पूरा मामला? ये जो है देवी जी की असली भक्त है और जो है देवी जी से मतलब इतना इनका लगाव प्रेम, आज हम कईयों साल से देखते चले आ रहे हैं कि बहुत पक्के भक्त पुजारी हैं देवी जी के। और आज जो है नवरात्रि का 7वां दिन है काली के रूप का, तो इन्होंने आ करके अपना देवी जी की जो है तपस्या किया, आराधना किया। इसके बाद जो है इन्होंने अपने हाथ से अंगुली लगा करके जीभ को निकाल के रख दिया। अच्छा, जीभ काट लिया? जीभ काट लिया। यह मंदिर में? इसी मंदिर मतलब ये स्थान में देवी जी। कितने बजे पूजा करने आया था? ये वही करीबन 10:30-11 बजे की बात है दिन में। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, ये सूचना मिली होगी तो पुलिस प्रशासन आया होगा? नहीं, प्रशासन भी आए हैं। जब कोतवाल साहब आए थे मौके में, देखे और जो है माता जी के जो है देवी जी के दर्शन भी किया और पंडा से भी मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत भी किया, कोई दिक्कत कोई समस्या भी नहीं है और उसी तरह जो है अपना प्रसाद लेकर के प्रशासन भी चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर।